अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन कुक विद इशरत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क़िवामी सेवई की रेसिपी। बहुत ही यूनिक स्टाइल से ये सेवई बनती है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब बनकर तैयार होती है। हमारे घर में इसे रसगुल्ले वाली सेवई भी कहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना ये यूनिक स्टाइल की रेसिपी सेवई की आपके साथ भी शेयर की जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ हमने लिया है 250 ग्राम सेवई। ये बारीक वाली सेवई है। सेवई को छोटे हिस्सों में हम तोड़ लेंगे। सेवई को छोटे पार्ट्स में तोड़कर हम यूँ दो हिस्से में कर लेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस रेसिपी का, सेवई को भूनना। सेवई को दो बार करके हम भूनेंगे और इसको डार्क ब्राउन होने तक हमें भूनना है। हमको डार्क ब्राउन सेवई भूनना है। लो फ्लेम पर हम सेवई भूनेंगे। अगर तेज़ या मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे तो ये जल जाएगी और हमें इसे काला बिल्कुल भी नहीं होने देना है। डार्क ब्राउन होने तक, खूब अच्छा डार्क कलर जब तक ना आ जाए तब तक हम सेवई को भूनेंगे। और सेवई थोड़ी थोड़ी करके ही भूनें। ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर भूनेंगे तो ये अच्छे से भून नहीं पाएगी। इस रेसिपी में सेवई को भूनना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप ईद पर या और किसी ओकेजन पर ये सेवई बनाना चाहते हैं तो सेवई को पहले से भून कर रख सकते हैं। देखिए ये अच्छा सा का डार्क ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसी तरह जो बची हुई सेवई है उसको भी हम भून लेंगे। सेवई को हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। अच्छे से जब ठंडी हो जाएगी सेवई, रूम टेम्परेचर पानी में इसको भिगा देंगे। हमें इसमें इतना पानी डालना है कि सेवई अच्छे से भीग जाए। सेवई जब पूरी तरह ठंडी हो जाए तभी इसमें पानी डालिएगा। सेवई को भीगने देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ ली है 1 किलो चीनी। 250 ग्राम सेवई में हम 1 किलो चीनी लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हमें 1 कप पानी। मेजर करेंगे तो 250 ml पानी है। चीनी को मेल्ट होने देंगे। इसमें हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है। तब तक चाशनी हमारी रेडी होती है। देखिए सेवई हमारी 10 से 15 मिनट के लिए भीग चुकी है। अब इसका पानी हम निकाल देंगे। भीगने के बाद ये लाइट कलर की हो चुकी है। सारा पानी निकालने के बाद हम फिर से इसमें पानी डालेंगे और फिर से इसे 10 से 15 मिनट के लिए भीगने देंगे। अब हमने यहाँ लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हैं 15 से 20 काजू, 15 से 20 बादाम, 10 ग्राम हमारे पास चिरौंजी है और 15 से 20 हमने यहाँ पिस्ता लिया है। सबको हमने काट लिया है। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हम लाइटली रोस्ट कर लेंगे। हमें हल्का रोस्ट करना है इसे। देखिए ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी सेवई की तरफ जो 15 मिनट से भीग रही है दोबारा से। अब इसको यूँ दबाकर इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। हमें अच्छे से सारा पानी स्क्वीज करना है सेवई में से। ये देखिए कैसे खिली खिली हमारी सेवई है पानी में भीगने के बाद, और इसका कलर भी लाइट हो चुका है। अब ये तैयार है चाशनी में डालने के लिए। चाशनी हमारी 1 तार की रेडी है। चाशनी में सेवई हम डाल देंगे और पकने देंगे। करीब 10 से 12 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे आराम से। 10-12 मिनट पकने के बाद अब हम इसमें दूध डालना शुरू करेंगे। 4 बार करके हम दूध डालेंगे इसमें। 1 कप दूध डालेंगे, पकने देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और ये देखिए दूध डालते ही इसमें खोया बनना शुरू हो गया। इसलिए इसमें हमें अलग से खोया डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 मिनट जब पक जाएगा फिर से हम दूध डालेंगे 1 कप, फिर पकने देंगे सेवई को, बॉयल आने देंगे अच्छे से। और फिर से 3रा कप दूध डाला हमने और फिर इसी तरह 5 से 6 मिनट पकने देंगे। 5 से 6 मिनट पकने के बाद फिर हम 4था कप दूध डाल देंगे। इसी तरह हमने 1 लीटर दूध सेवई में डाल दिया है। फिर से हम 5 से 6 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे। जब हल्का सा इसमें शीरा रह जाएगा तब गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और 5 मिनट इसमें दम आने देंगे ढककर। अब एक पैन में हम ले लेंगे 100 ग्राम देसी घी। घी को गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे 4 लौंग और 3 से 4 इलायची। मुंह खोलकर डाला है हमने इलायची को, इसको गरम होने देंगे। अब सेवई में हम इससे तड़का लगा देंगे।
ड्राई फ्रूट्स जो हमने रखे थे रोस्ट करके वो भी डाल देंगे। इलायची पाउडर डालेंगे एक टीस्पून भरकर, और एक टीस्पून हमने डाला है केवड़ा वाटर। देखिए सेवई हमारी बनके तैयार है, बढ़िया रसगुल्ले जैसा कलर आया है इसका, और खिली खिली सेवई बनी है हमारी। और जो दूध डाला था हमने उससे कितना सारा खोया बनाया है इसमें, उसको हम सर्व कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे थोड़े बचा लिए थे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, ड्राई फ्रूट से सजा देंगे इसे। बन के तैयार है हमारी रसगुल्ले वाली के मामी सेवई, टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है ये, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी ये यूनिक स्टाइल की केमामी सेवई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गेस्ट को ज़रूर पसंद आएगी आपके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।